हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 1 का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 4, और इसमें हम कवर करेंगे सैटेलाइट, द मून, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ओके, ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज आप उन्हें जरूर देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सैटेलाइट। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, उसी तरीके से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ओके, इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है नेचुरल सैटेलाइट। हमारे पास क्या है नेचुरल सैटेलाइट? मून। ओके, एंड सेकेंड टाइप है ह्यूमन मेड सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। इट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइन बाई साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। ओके, और फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ओके, एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसे किसने डिजाइन किया है? साइंटिस्ट ने, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यूनिवर्स के बारे में या फिर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इसे रॉकेट के थ्रू कैरी करके लेके जाया जाता है, ठीक है, और ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इनसैट, एड्यूसैट। ओके, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, आई नो आपको पता भी होंगे। हमारा अगला टॉपिक है मून। इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वी ऑल नो वी हैव ओनली वन मून, जैसे सैटर्न, जुपिटर, इनके पास बहुत सारे मून है, हमारे पास एक ही है। ओके, डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। जितना भी अर्थ का डायमीटर है उसका अगर हम 1/4 ले, ठीक है, उतना क्या है? मून का डायमीटर है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट अपीयर्स बिग as it is very near to earth than other celestial body। ये हमें बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा नजदीक है। इसका जो डिस्टेंस है, इट इज 384,400 किलोमीटर। ये बहुत ज्यादा नजदीक है, इस वजह से हमें ये बड़ा नजर आता है। ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज, एंड ये उतना ही टाइम लेता है अपना एक स्पिन कंप्लीट करने में, ठीक है, 27 डेज ये लेता है अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करने में, और अपना स्पिन कंप्लीट करने में भी ये 27 डेज लेता है। इसी वजह से हमें सिर्फ एक साइड मून की विजिबल होती है। ओके, इस पे कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो लाइफ के लिए सही हो, पानी, एयर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशन है। ओके, जो हम कई बार ब्लैक ब्लैक देखते हैं मून पे, दीज आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज डिप्रेशंस। ओके, माउंटेन्स, प्लेन्स, इनकी वजह से होता है, और ये क्या करते हैं? शेडो कास्ट करते हैं मून की सरफेस पे। ओके, दे डू नॉट शाइन विद इट्स ओन लाइट। इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट लेके बाकियों को रोशनी देते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स। ओके, एस्टेरॉइड जो हमें कहाँ मिलता है? दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके, और इस रीजन को नाम भी दिया गया है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा नाम है, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं इसलिए नाम क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। किस रीजन की हम बात कर रहे हैं? मार्स एंड जुपिटर की। ओके, एस्टेरॉइड होते कैसे हैं? दे आर जस्ट लाइक टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। बहुत ही छोटे बॉडीज होते हैं ये जो सन के अराउंड मूव करते हैं। साइंटिस्ट का ऐसे मानना है कि एक ऐसा प्लैनेट था जो एक्सप्लोड हो गया, तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये उसी के पार्ट्स हैं। ओके, बहुत बहुत सालों पहले एक्सप्लोड हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। स्मॉल पीसेज है रॉक्स के, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज है, इवन दे आर स्मॉलर देन द एस्टेरॉइड्स। एक ग्रेन से लेकर अगर हम एक मीटर तक की बात करें उतना ही वाइड होगा, और ये बने कैसे हैं? आफ्टर द कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड की कोलिजन के बाद मेटेरॉइड्स हमारे फॉर्म हुए हैं। ओके, अब देखिए मिटियोर क्या होता है? जब भी जो मिटियोरॉइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है बहुत ही हाई स्पीड से, लेकिन ये बर्न कर जाता है ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से पहले ही। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? मिटियोर्स। ओके, इसको फायरबॉल भी बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, मिटियोर्स को
और जब ये पूरा ट्रिप पूरा आके सरवाइव कर जाता है और ग्राउंड पे आके टकराता है, इसे हम बोलते हैं मिटियोराइट। ओके, मिटियोरॉइड्स अलग है, मिटियोर अलग है, मिटियोराइट अलग है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किस ड्वार्फ प्लैनेट? तो देखिए, ड्वार्फ प्लैनेट को डिसाइड कौन करता है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है? इट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि सेट करती है डेफिनेशंस फॉर प्लेनेटरी साइंस, एक ड्वार्फ प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है विच ऑर्बिट्स द सन एंड हैज इनफ मास टू अज्यूम अ नियरली राउंड शेप। ठीक है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो ऑर्बिट करती है सन को और इसके पास इतना मास है, इनफ मास है कि एक राउंड शेप बना पाए। ओके, बस दिक्कत ये पड़ती है कि इसका जो नेबरहुड है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, एंड ये मून भी नहीं होता है। पहले जो पांच जो ड्वार्फ प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, जिन्हें रिकॉग्निशन मिली है, वो है सेरस, प्लूटो, एरिस, मेकमेक एंड होमिया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। ओके, जो प्लूटो है, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन क्यूपर बेल्ट। ठीक है, क्यूपर प्लैनेट कहाँ लाई करता है? जो नेपच्यून है उसके ऑर्बिट के आगे। ठीक है, एक रिंग है, पूरा रिंग ऑफ बॉडीज है। तो जो प्लूटो है 2006 से ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है और ये पहला और सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है जिसे डिस्कवर किया गया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। So, next definition is galaxy. It is huge system of billions of stars. Okay, बहुत बड़ा सिस्टम है किसका? Billions of stars का, clouds of dust and gases का. Okay, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में लाइक करता है? मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है? जब कई सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? यूनिवर्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई रियली होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज आप इन वीडियोज को दोबारा देखिए एंड अगर आप बार बार इन्हें देखेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवाइज करना है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।